सियाहती मकाम नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। नारान झील रोड पर ग्लेशियर के नीचे कई होटल दब गए। नारान के रास्ते बर्फबारी के बाद निजी बंद हो गई। काकान का कहना है कि जब तक टीम मौके पर नहीं पहुंचती कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। नारान रोड बहाल होते ही इमदादी काम शुरू कर देंगे। डिप्टी डायरेक्टर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि दर्जनों होटल तबाह होने की इतलात हैं। मानसेरा के लिए का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। सियाहती मकाम नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। नारान झील रोड पर ग्लेशियर के नीचे कई होटल दब गए। नारान के रास्ते बर्फबारी के बाद निजी बंद हो गई। काकान का कहना है कि जब तक टीम मौके पर नहीं पहुंचती कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। नारान रोड बहाल होते ही इमदादी काम शुरू कर देंगे। डिप्टी डायरेक्टर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि दर्जनों होटल तबाह होने की इतलात हैं। मानसेरा के लिए का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया।